सोलन के सरकारी पीजी कॉलेज में आजकल परीक्षाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि कॉलेज प्रोफेसर समेत कई लोग कोरोना पॉजिटिव भी आए थे, जिसके चलते परीक्षाएं कैसे होंगी इसको लेकर जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन बेहद चिंतित था, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव अध्यापक और स्टाफ को कॉलेज बुलाया नहीं जा सकता था। सभी संक्रमित कर्मचारियों को आइसोलेट भी कर दिया गया था, जो उनके संपर्क में आए थे उन्हें भी घर रहने की सलाह दी गई थी। ऐसे में विद्यार्थियों की परीक्षा कैसे होगी और कौन कर्मचारी वहां उपस्थित रहेंगे, इसको लेकर जिला और कॉलेज प्रशासन ने मंथन किया। कुछ अन्य कर्मचारियों को भी बुलाया गया ताकि परीक्षाएं सुचारू रूप से चल सकें। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि बैंक, नगर परिषद समेत पीजी कॉलेज का स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव आया है। करीबन 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके चलते सभी एहतियातन कदम उठाए गए हैं। अध्यापकों को घर भेज दिया गया है और उनका उपचार चल रहा है। कॉलेज परिसर को सैनिटाइज किया गया है। अन्य शिक्षा संस्थानों से अध्यापकों को बुलाकर परीक्षाएं ली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सोलन पीजी कॉलेज की स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे सावधानी रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर हाथ भी समय समय पर सैनिटाइज करें। प्रशासन की ओर से जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद जैसे पहला एक पॉजिटिव आया था कुछ दिन पहले, उसके ही प्राइमरी कॉन्टैक्ट है जो 5-6 दिन बाद सैंपल उठाए गए, तो हमने उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग और होम आइसोलेशन टाइम से करवा दिया था, और ताकि ये स्प्रेड ना हो, तो इसके तहत ही 9 के करीब पॉजिटिव आए हैं और बाकी होम आइसोलेशन के तहत पूरा एरिया सैनिटाइज कर दिया गया है। एहतियातन वहाँ पे ये रखा गया है कि थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंस, मास्किंग के सब जगह है। जैसे बैंक में भी पीछे पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पॉजिटिव आया गया, HDFC बैंक के 8 पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव आए, तो ये एक प्रक्रिया है जो लगभग आ रही है। लेकिन आइसोलेशन के तहत उनको ट्रीट भी किया जा रहा है और उनको कंटेनमेंट भी प्रॉपर की जा रही है और सैनिटेशन भी कर रही है, और जो प्रोटोकॉल हमने कहा है कि जहाँ 5 से ज़्यादा है उसको हम बंद करके उसको पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं। और लोगों से एहतियातन हम यही कह रहे हैं कि भीड़ वाले क्षेत्र में ना आए और हमेशा ही मास्क का प्रयोग करके रखें करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सैनिटाइजर करके, यही आज के दिन में अभी एक उपलब्ध वैक्सीन और ट्रीटमेंट है। लगातार एग्जाम्स चल रहे हैं डिग्री कॉलेज में, तो वो प्रभावित नहीं होंगे, वो एग्जाम बदस्तूर चला जाएगा। स्टाफ ये जो थे स्टाफ के ही आदमी थे, और उसके अलावा ऑल्टरनेट स्टाफ की व्यवस्था की गई, एग्जाम बिना किसी रुकावट के चलता रहा।